यस बेटा, वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू रॉकेट स्टडी ऑनलाइन एजुकेशन। देखिए बेटा, आज हम जो अपना जो पार्ट चला हुआ था कि लास्ट 10 ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं। इससे पहले हमने नंबर सिस्टम पढ़ा था, उससे पहले हमने एवरेज पढ़ा था। आज हम सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो लास्ट 10 ईयर के अंदर पूछे गए हैं। सिंप्लीफिकेशन टॉपिक से जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट 10 ईयर में, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो बेटा देखिएगा, रॉकेट स्टडी एजुकेशन ऑनलाइन एजुकेशन एंड ऑफलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। वेलकम टू रॉकेट स्टडी ऑनलाइन एजुकेशन। यस बेटा, देखिए सिंप्लीफिकेशन में आज हम पढ़ेंगे कि जो जो क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के लास्ट 10 ईयर के अंदर पूछे गए हैं, वो कुछ क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। ओके, तो ये हमारे आपके सामने सिंप्लीफिकेशन बाय संजीव सर। मेरा नाम संजीव यादव है। तो आज मैं आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन का पार्ट कराने वाला हूं बेटा। तो सिंप्लीफिकेशन के अंदर समझिएगा, सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन का कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम उसे सोल्व किस तरीके से करेंगे, ऐसा नहीं कि कोई भी सिंबल आ रहा है हम उसे सोल्व कर देंगे, नहीं। सिंप्लीफिकेशन को सोल्व करने के लिए मैं आप लोगों को आज एक इक्वेशन बता रहा हूं। इक्वेशन का नेम है बोर्ड मास। क्या है बेटा? बोर्ड मास। आप जब भी कोई भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो किसके अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे बेटा? बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। किसके अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे? बोर्ड मास। बोर्ड मास के अंदर सबसे पहले आएगा आपके पास बी। बी का मतलब होता है बेटा ब्रैकेट। बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। ब्रैकेट हमारे पास थ्री टाइप्स के होते हैं। ये हमारे पास ब्रैकेट्स हैं, लार्ज, कर्ली और स्मॉल। और बेटा इसके बाद आता है एक बार ब्रैकेट। क्या आता है बेटा? बार ब्रैकेट। तो ये तो हो गया ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट। ये होता है बार ब्रैकेट। ओ का मतलब होता है ऑफ। ओ का मतलब क्या होता है बेटा? ऑफ। और ऑफ का मतलब होता है बेटा मल्टीप्लाई। क्या होता है? मल्टीप्लाई। डी का मतलब होता है डिवाइड। एम का मतलब भी होता है मल्टीप्लाई। ए का मतलब होता है एडिशन। और एस का मतलब क्या होता है? सबट्रैक्ट। इसका मतलब सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे, फिर डिवाइड को सोल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई एम को। बेटा ऑफ वाला जो मल्टीप्लाई है ना, ऑफ का जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड से पहले सोल्व होगा, और मल्टीप्लाई का जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड के बाद सोल्व होगा। तो कोई भी क्वेश्चन होगा आप उसको हमेशा किसके अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे बेटा? बोर्ड मास, इसके रूल के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। किसके अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे बेटा? बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। सबसे पहले क्या सोल्व होगा? ब्रैकेट। मेरे साथ साथ रिपीट करेंगे बस आप। सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एड, और फिर क्या होगा? सब्ट्रैक्शन। क्लियर है? ओके, अब देखिएगा इसके ऊपर क्वेश्चन किस किस तरीके से आते हैं वो हम करेंगे। अगर ये कोई नोट करना चाहता है तो बेटा नोट कर सकता है, ठीक है। बस एक चीज ध्यान रखनी है, ऑफ का जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड से पहले सोल्व होगा, लेकिन मल्टीप्लाई का जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड के बाद सोल्व होगा। क्लियर? देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बेटा, ये लिखा हुआ है 1/5 डिवाइड 1/5 ऑफ 1/5। इस क्वेश्चन को हमें करना है 1/5 डिवाइड 1/5 ऑफ 1/5। ये क्वेश्चन बेटा पेपर में बहुत पूछा जाता है, बहुत इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप न्यूमिनेटर को ही सोल्व करेंगे, उसके बाद डिनोमिनेटर। 1/5 डिवाइड 1/5, तो पहले बेटा क्या सोल्व होगा? ऑफ सोल्व होगा। तो ऑफ की जगह मैंने लगा दिया मल्टीप्लाई, ऑफ की जगह क्या लगा दिया? मल्टीप्लाई। जब आप इसको सोल्व कर रहे हैं समझिएगा, तो पहले डिवाइड सोल्व होगा या मल्टीप्लाई सोल्व होगा? आप कहेंगे ऑफ वाला मल्टीप्लाई सोल्व होगा। तो 1/1 डिवाइड बाई 5/5 कितना होगा बेटा? 25 आएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 25। डिवाइड बाई, डिवाइड में आप पहले मुझे बताएंगे कि ये ऑफ सोल्व होगा, तो 1/5 कितना हो जाएगा बेटा? 25। और डिवाइड में क्या आ जाएगा बेटा? 1/5। क्या होगा बेटा? 1/5। क्लियर है? क्या होगा बेटा? 1/5। अब जब मैं इसको सोल्व कर रहा हूं तो आप मुझे बताएंगे, समझिएगा, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 1/5, ठीक है बेटा। अब डिवाइड की जगह मैं मल्टीप्लाई यूज करता हूं। क्या यूज करता हूं बेटा? डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई यूज करता हूं, और नंबर को क्या कर देते हैं हम? रेसिप्रोकल कर देते हैं। नंबर को क्या कर देते हैं? रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/25 को क्या लिखेंगे आप? 25/1 डिवाइड बाई 1/25, फिर डिवाइड की जगह क्या लगा देंगे बेटा? रेसिप्रोकल, और ये आ जाएगा 5/1। क्लियर है? अब जब आप इसको सोल्व करते हैं तो 5 × 5 = 25, यहां से भी 5 × 5 = 25। तो इसका मतलब आपके पास जो इक्वेशन बच गई वो बच गई यहां से, तो 5/1, फिर डिवाइड में
वन अपॉन फाइव, क्या आ गया बेटा वन अपॉन फाइव। देखिए बेटा डिवाइड के नीचे जब भी डिवाइड होता है, डिवाइड के नीचे जब भी क्या होता है डिवाइड, तो नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है। तो आप इसको लिख सकते हैं फाइव अपॉन वन, डिवाइड ऊपर चला जाएगा तो यह आ जाएगा फाइव अपॉन वन, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 25 आ जाएगा, आंसर क्या होगा 25 आ जाएगा, आंसर क्या होगा बेटा 25 आ जाएगा। दोबारा फिर से ध्यान से समझिएगा, इस इक्वेशन में जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो, न्यूमिनेटर भी दे रखा हो डिनोमिनेटर भी दे रखा है, तो आप किस तरीके से सोल्व करेंगे बेटा, न्यूमिनेटर को सबसे पहले सोल्व करेंगे उसके बाद डिनोमिनेटर। अब ऑफ और डिवाइड है तो पहले क्या सोल्व होगा, ऑफ सोल्व होगा, डिवाइड सोल्व नहीं होगा, पहले क्या होगा ऑफ सोल्व होगा। तो ऑफ के लिए मल्टीप्लाई लगाया 1 बाई 5 डिवाइड 1, 5 5 जा 25 डिवाइड बाई 1 अपॉन 25 डिवाइड बाई 1 बाई 5, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाइए 25 ऊपर हो जाएगा 1 नीचे, 1 अपॉन 25 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई 5 अपॉन 1 हो जाएगा। जैसे ही डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई यूज करते तो नंबर चेंज हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाता है। तो आप कह सकते हैं 1 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 25, तो इसको सोल्व करेंगे 5 5 जा 25, ये आ गया 5 अपॉन 1, 5 1 जा 5 5 5 जा 25, तो ये आ गया 1 अपॉन 5, सोल्व करेंगे 5 अपॉन 1 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 1, आंसर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा 25 आंसर आ जाएगा। क्या होगा बेटा आंसर 25 हो जाएगा, क्लियर है। इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आप लोगों के सामने, ये क्वेश्चन दिया हुआ है समझिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा बेटा क्या दे रखा है आपके सामने, ये है 2/7, ये डिवाइड का सिंबल है, इसका मतलब ये है, मैं इसको लिख देता हूं, देखो बेटा 2/7 ऑफ ब्रैकेट 2 प्लस फिर करली ब्रैकेट 2 इंटू में 11 प्लस 4 माइनस 2 स्मॉल ब्रैकेट फिर करली ब्रैकेट और फिर बेटा लार्ज ब्रैकेट, ठीक है समझिएगा। सबसे पहले ये स्मॉल ब्रैकेट सोल्व होगा, जब स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करूंगा तो बेटा सबसे पहले मैं सोल्व करूंगा किसे, इस 4 माइनस 2 को, सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट सोल्व होगा ये, जब मैं इसे सोल्व कर रहा हूं तो मेरे पास वैल्यू आ गई 11 प्लस 4, 4 माइनस 2 तो 15 माइनस 2, 11 प्लस 4 15 माइनस 2, 15 माइनस 2 आ गया 13, तो ये सारी वैल्यू आ गई 2 मल्टीप्लाई 13। तो करली ब्रैकेट को जब मैंने सोल्व किया तो मेरे पास जो वैल्यू आ गई वो ये आ गई बेटा, जैसे मैंने करली ब्रैकेट को सोल्व किया तो ये वैल्यू आ गई 13 टू जा 26, मतलब करली ब्रैकेट सोल्व हो चुका मेरे पास 26। यहाँ पे इस ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 2 प्लस 26, तो मैं कह सकता हूं इज इक्वल टू कितना आ गया 28 आ गया। तो मतलब कि कहां तक की वैल्यू सोल्व हो चुकी है बेटा, ये जो कंप्लीट ब्रैकेट सोल्व हो चुका है मेरे पास और वैल्यू कितनी आ चुकी है 28। अब बचा है क्या 2 अपॉन 7, ऑफ की जगह क्या आएगा मल्टीप्लाई बेटा 28, क्या आ गया बेटा 28, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 4 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 8, आंसर कितना आ गया बेटा 8 आंसर आ गया, आंसर कितना आ गया बेटा 8 आंसर आ चुका है, क्या आ गया बेटा आंसर 8 आ चुका है, क्लियर है आंसर कितना आ गया 8 आ गया। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं मेरे पास वैल्यू जो बची हुई है 2/7 ऑफ ब्रैकेट 2 प्लस, 2 प्लस ब्रैकेट करली ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई 11 प्लस 4 माइनस 2, 11 प्लस 4 15 माइनस 2 13, 2 मल्टीप्लाई 13 26, 2 प्लस 26 इज इक्वल टू 28, ये जो ब्रैकेट है ना यहां से लेके यहां तक इसकी वैल्यू है बेटा 28, क्या है बेटा 28, ये वैल्यू बच गई 2/7, 2/7 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 28, 7 4 जा 28, 4 2 जा 8, आंसर विल बी कितना आ जाएगा बेटा 8 आंसर आ जाएगा। आपको भी पेपर के अंदर क्वेश्चन इसी तरीके से करने हैं, क्लियर है, इस क्वेश्चन को भी नोट कीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को करेंगे बेटा, देखिएगा 1 माइनस 2, ये प्लस लिखा हुआ बेटा 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 समझिएगा, ये क्वेश्चन क्या है आपके सामने पहले समझेंगे,
वन माइनस टू प्लस थ्री है ये, क्या है वन माइनस टू प्लस थ्री है ये, ये लिखा हुआ है आपके पास वन माइनस टू प्लस थ्री माइनस फोर प्लस फाइव माइनस सिक्स प्लस सेवन, ऐसे चलते चलते बेटा प्लस नाइनटीन माइनस ट्वेंटी, इसे सोल्व करना है। इसे सोल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, देखो बेटा एक वैल्यू प्लस की है एक वैल्यू माइनस की है, मतलब अगर प्लस की वैल्यू देखो तो क्या है वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन प्लस नाइन, ठीक है ऐसे ही प्लस ऑफ नाइनटीन तक, और माइनस की वैल्यू क्या बेटा माइनस का टू माइनस का फोर माइनस का फाइव माइनस का सिक्स माइनस का एट ऐसे ही माइनस का ट्वेंटी, क्लियर है बेटा यही वैल्यू है कि नहीं है। अगर मैं आप लोगों को यह बताऊं कि अगर ये माइनस का टू कॉमन ले लूं तो वैल्यू क्या बचेगी वन प्लस टू फोर के बाद सिक्स एट आएगा, माइनस का सिक्स माइनस का एट माइनस का टेन, ठीक है बेटा वन प्लस टू प्लस थ्री माइनस प्लस का क्या हो जाएगा टेन, प्लस का क्या हो जाएगा बेटा टेन, क्लियर है। आपके पास एक वैल्यू था वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन प्लस नाइन प्लस नाइनटीन, ठीक है बेटा एक वैल्यू माइनस का टू इंटू में वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस या फिर माइनस टू माइनस फोर माइनस सिक्स माइनस एट माइनस टेन माइनस ट्वेंटी, बोले बेटा ये बात समझ में आई कि नहीं आई। तो आप या तो इसको सोल्व कर लीजिए या फिर इसको सोल्व कर लीजिए। देखिएगा आप यहां से अगर सोल्व करते, मेरी बात को ध्यान से समझना, यहां से भी माइनस का वन आना है, ठीक है इन दोनों को अगर मैं सोल्व करता हूं वन माइनस टू तो माइनस का वन, थ्री माइनस का फोर यहां से भी माइनस वन, फाइव माइनस सिक्स यहां से भी माइनस वन, सेवन माइनस एट यहां से भी माइनस वन, और बेटा नाइनटीन माइनस ट्वेंटी यहां से भी क्या आएगा माइनस वन। देखिए माइनस 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 सारे माइनस के नंबर होंगे कि नहीं होंगे, सारे किसके नंबर होंगे माइनस के नंबर होंगे। बेटा आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कैसे समझिएगा, दो तरीके, एक तो आप इस तरीके से करें इनका सम करके, फिर आप इनका सम करके टू से मल्टीप्लाई करें फिर माइनस की वैल्यू निकालें, क्लियर है। या फिर आप ऐसा कर सकते, देखो या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप यहां से वन थ्री फाइव सेवन टेन तो माइनस कर देंगे और जो माइनस की वैल्यू आएगी उसको क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे, ठीक है। या फिर आप कर सकते, देखो ये कितने टाइम्स हो गया भाई, वन माइनस टू ट्वेंटी तक तो टेन पेयर बनेंगे भाई, टू टू के पेयर बनाए मैंने, टू टू के पेयर बनाए तो कितने पेयर बनेंगे टेन पेयर बनेंगे, कितने पेयर बनेंगे। तो आपको ये वाला करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट ही कर सकते इस क्वेश्चन को। डायरेक्ट कैसे करेंगे समझ लीजिएगा, आपको इस तरीके से करना नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको किस तरीके से करना है। देखो सबसे पहले तो ये जो नंबर है यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब ये है वन माइनस टू प्लस थ्री माइनस फोर प्लस फाइव माइनस सिक्स प्लस सेवन, ऐसे ही चलते चलते प्लस नाइनटीन माइनस ट्वेंटी, इसका मतलब क्या है समझो, अगर इन दोनों को सोल्व करूं तो माइनस वन, इन दोनों को सोल्व करूं तो माइनस वन, इन दोनों को सोल्व करूं तो माइनस वन, आगे भी अगर इसी तरीके से सोल्व करूंगा तो नाइनटीन माइनस ट्वेंटी कितना आएगा माइनस वन। बेटा 20 तक 2 2 के पेयर कितने बनेंगे 10 बनेंगे, कितने बनेंगे 10, तो 10 मल्टीप्लाई माइनस 1 तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी माइनस का 10 आंसर आएगा बेटा, कितना आंसर आ जाएगा बेटा माइनस का 10 आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर माइनस का 10 आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। 2 2 20 तक नंबर है ना, 2 2 के पेयर बनेंगे तो 10 पेयर बनेंगे, सभी में माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 सभी का एडिशन करेंगे तो माइनस 1 10 टाइम्स है बेटा माइनस 10 आंसर, तो 10 मल्टीप्लाई माइनस 1 आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 10 आंसर आ जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 111 अपॉन 5 11 अपॉन 5 प्लस 61 अपॉन 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ, बेटा ये क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने समझिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ, समझिएगा दोबारा से, 111 डिवाइड बाई 5 प्लस ऑफ 61 डिवाइड बाई 10। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन होता है तो सबसे पहले लेना होता है एलसीएम, क्या लेते हैं बेटा एलसीएम लेते हैं, क्या लेते हैं एलसीएम, तो सबसे पहले 5 और 10 का क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, तो 5 और 10 का एलसीएम क्या होगा समझिएगा, 5 और 10 का एलसीएम, तो 5 1 5 5 2 10 तो 5 मल्टीप्लाई 2 आंसर कितना आ जाएगा बेटा 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा 10, 5 2 जा 10 111 मल्टीप्लाई 2 प्लस 10 1 जा 10 मल्टीप्लाई 60। तो आप जब सोल्व करेंगे इसे तो
तो 222 प्लस 61 डिवाइड बाय 10। तो जब आप सोल्व करते हैं तो आपके पास वैल्यू आती है 213628 और 283 डिवाइड बाय 10, तो आंसर आ जाएगा 28.3 या फिर 283 डिवाइड बाय 10। 283 डिवाइड बाय 10, 283 डिवाइड बाय 10, ठीक है, या फिर 28.3। दोबारा ध्यान से समझिएगा, 111 डिवाइड बाय 5 प्लस 61 डिवाइड बाय 10। सबसे पहले एलसीएम लेंगे, 10 आएगा, 10 में 5 का डिवाइड करेंगे, 5 टू जा 10, 2 आ जाएगा। 111 मल्टीप्लाई 2 प्लस 10 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 61, तो ये आ जाएगा 222 प्लस 61 डिवाइड बाय 10, दोनों को ऐड करेंगे 213628, 283 डिवाइड बाय 10, 28.3 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, ये फिर ब्रैकेट का क्वेश्चन आ गया। सबसे पहले क्या सॉल्व होगा आप बताएंगे मुझे, सबसे पहले क्या सॉल्व होगा? सबसे पहले आप कह सकते हैं क्या सॉल्व होगा बेटा, ब्रैकेट सॉल्व होगा। क्या सॉल्व होगा? मैं इस क्वेश्चन को लिख रहा हूं, यहां से ये लिखा हुआ है, देखो सबसे पहले ये स्मॉल ब्रैकेट है ना, इस स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व कर रहा हूं मैं। 8, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 8 ऑफ, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 1 बाय 2। आप इसको सॉल्व करेंगे 2 4 जा 8 आ जाएगा, इसका मतलब इस ब्रैकेट को सॉल्व किया तो मेरे पास क्या आ गई वैल्यू, 4 आ गई। अब मेरे पास है करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा, यहां पे लिखा 6 माइनस, इस ब्रैकेट को सॉल्व किया 4, करली ब्रैकेट क्लोज, कितना आ गया बेटा 6 माइनस 4 कितना आ गया 2 आ गया, करली ब्रैकेट भी सोल्व हो चुका है। अब हमारे पास क्या आ गया 2। अब बात करता हूं मैं लार्ज ब्रैकेट की, लार्ज ब्रैकेट क्या है 4 डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट हटाया तो मेरे पास मल्टीप्लाई क्या आ गया 2 आ गया, मल्टीप्लाई क्या आ गया बेटा 2 आ गया। तो अब आप मुझे बताएंगे पहले डिवाइड सोल्व होगा कि मल्टीप्लाई सोल्व होगा, पहले डिवाइड सोल्व होगा या मल्टीप्लाई सोल्व होगा, जल्दी से बताएंगे सभी। 4 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई, तो बेटा सबसे पहले तो ये ब्रैकेट ही तो सोल्व होगा हमारे पास, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा क्या आ गया अपने पास 4 आ गया, क्या आ गया बेटा 2 2 जा 4 आ गया, तो यहां से ये वैल्यू आ गई 4 और 4 4 जा क्या हो जाएगा बेटा, 4 में 4 का डिवाइड करूंगा तो बेटा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा 2 2 जा 4 आ गया, 4 में 4 का डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर है? अब हमारे पास वैल्यू बची है 16 माइनस कितना आ गया बेटा 1, तो 16 माइनस 1 कितना आ जाएगा बेटा 15 आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा 15 आंसर आ जाएगा। दोबारा फिर से ध्यान से समझिएगा, 8 ऑफ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 1 बाई 2, यहां से आ गया 4, यहां से कितना आ गया बेटा 4, 6 मल्टीप्लाई 4 कितना आ गया 2, 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4, 4 में 4 का डिवाइड करेंगे बेटा कितना आ जाएगा 1, 4 में 4 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, 16 में 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा बेटा 15 आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर 15 आ जाएगा। क्लियर है? कितना आ जाएगा 15 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द प्रोडक्ट ऑफ 10101 मल्टीप्लाई 25, 10101 मल्टीप्लाई 25, तो बेटा आपको इसको तो इजीली कर सकते हैं, आप सभी प्रोडक्ट ही तो करना है इसका, तो आप इसको प्रोडक्ट कर सकते हैं, समझिएगा 10101 मल्टीप्लाई 25, आप डायरेक्ट 25 की टेबल यूज कर लीजिए, 25 वन जा 25 लिख दूं, फिर 25 वन जा 25, फिर 25 वन जा 25, आंसर आ गया 25 25 25, आंसर क्या आ जाएगा बेटा 25 25 25। क्लियर है? 25 वन जा 25 5, कैरी आ गया 2, 0 में 2 ऐड कर देंगे, 25 वन जा 25 कैरी आ गया 2, फिर 25 वन जा 25, तो क्या आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आपको कुछ नहीं करना बेटा, 25 की टेबल बोलनी है बस, 25 वन जा 25 5 आता कैरी आ गया 2, फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 बन जाएगा, तो 25 25 25, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी इज करेक्ट आंसर, क्या होगा बेटा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी, इस क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हैं, देखो 25 वन जा 25 जीरो की जगह भी आ जाएगा, फिर 21 5 जा 25, फिर 0 की जगह 2 आ जाएगा, फिर 21 5 जा 25। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर आएगा 25 25 25, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे बेटा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखिएगा समझना। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है,
वैल्यू ऑफ 700 डिवाइड बाई 10, 700 डिवाइड बाई 10, 700 डिवाइड बाई 10, तो बेटा क्या आएगा, आप कह सकते 70। इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 12 8 96। इसको अगर आप सोल्व करते तो 34 माइनस का 10 कितना आता बेटा, 24। कितना आता बेटा, 24। बीच में डिवाइड का सिंबल, और ये अलग ब्रैकेट है और ये अलग ब्रैकेट है, ठीक है, इसके बीच में माइनस का सिंबल है, समझिएगा। सबसे पहले अगर इसे सोल्व करूं तो ये आ गया 70 माइनस 96 में 24 का डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई 1/24 लगा दो, ये हो गया कर ली ब्रैकेट, ठीक है। देखो 24 जा 96 होता है बेटा, तो 70 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 66 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 66 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्या होगा बेटा, 66 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। 700 डिवाइड बाई 10 70 माइनस 12 8 96 डिवाइड 34 माइनस 10 24। 96 को डिवाइड कीजिए 1/24, 24 जा होता 96, 70 में से 4 माइनस करेंगे बेटा आंसर कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सम ऑफ टू नंबर इज 11009, इफ वन देम इज 999 द अनदर नंबर इज, सम ऑफ टू नंबर इज 11009, देम इज वन ऑफ द नंबर इज 999 देन द अदर नंबर। बेटा वेरी इजी क्वेश्चन है, देखिएगा आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सम ऑफ टू नंबर इज 1109, वन नंबर कितना बेटा 999, तो आप कह सकते हैं 9999 प्लस एक्स, इन दोनों का सम कितना है बेटा 11009, एक्स की वैल्यू निकालनी है तो 11009 ये इधर चला जाएगा माइनस, तो 9999। सॉल्व करेंगे बेटा, मैं यहां पे माइनस करके दिखा देता हूं आपको, 11009 9999, 9 माइनस 9 कितना आएगा बेटा 0, 10 माइनस 9 कितना आएगा 1, 9 माइनस 9 कितना आएगा बेटा 0, ठीक है। यहां पे कितना आ गया बेटा अपने पास 10 10 माइनस 9 कितना आ गया 1, तो 1010 ऑप्शन आ जाएगा बेटा, कौन सा आएगा 1010, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, 1010 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी बेटा 1010, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। दोबारा फिर से ध्यान से समझिएगा बेटा, टू नंबर का सम जो गिवन है वो दे रखा है बेटा 11009, वन नंबर है 9999, तो अदर नंबर बताना है बेटा, तो 11009 में से 9999 माइनस कर देंगे तो बेटा आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, आपके पास जो आंसर आएगा वो बेटा आप कह सकते हैं 9 माइनस 9 0, 10 माइनस 9 1, 9 माइनस 9 0, 10 माइनस 9 आ जाएगा 1, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सिंप्लीफाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा, समझिएगा वेरी इजी क्वेश्चन है आप, और इस तरीके का क्वेश्चन अब भी आप पेपर के अंदर देखने को मिलेगा आपको। देखिएगा 6 डिवाइड बाई 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई 6 माइनस 6, ये क्वेश्चन है। देखो 6 डिवाइड, तो बेटा सबसे पहले बोर्ड मास के अंदर क्या सोल्व होगा, ब्रैकेट तो है नहीं इसमें, तो बोर्ड मास क्या सोल्व होगा बेटा, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सोल्व होगा, तो आप कहेंगे बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट है नहीं, ऑफ भी नहीं है, तो पहले क्या सोल्व होगा डिवाइड, तो डिवाइड की जगह 6 मल्टीप्लाई लगा के 1/6 लगा दो, प्लस 6 मल्टीप्लाई 6 माइनस का 6, तो यहां से तो आप सबसे पहले सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, प्लस 6 मल्टीप्लाई 6 होगा 36, माइनस का क्या हो जाएगा 6, तो 36 और 1 37, 37 में से 6 माइनस करेंगे तो बेटा आ जाएगा 31, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। 6 मल्टीप्लाई 1/6 तो बेटा वैल्यू आ जाएगी 1, प्लस 6 मल्टीप्लाई 6 36, 36 में माइनस कर देंगे 6 30, 30 प्लस 1 कितना आ जाएगा बेटा 31 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बेटा देखिएगा, वन इज वन अपॉन 24 माइनस वन प्लस सेवन अपॉन 36 प्लस सेवन अपॉन 36। समझिएगा इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है समझिए। वन अपॉन वन इस क्वेश्चन का मीन क्या है समझिएगा आप। वन अपॉन 24 तो इसको कैसे करते हैं, 24 वन जा 24 प्लस वन तो ये आ गया 25 अपॉन 24, क्लियर है। माइनस 36 वन जा 36, अब यहां पे देखो माइनस का वन है, ये हो गया 7 अपॉन 36 तो प्लस का है और माइनस का क्या है बेटा वन है, माइनस का क्या है वन है। सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा 24 36 और बेटा 24 और 36 का क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा बेटा 72, क्या आएगा बेटा 72 आएगा, 24 3 जा होता है 72 तो 3 मल्टीप्लाई 25 प्लस 36 2 जा तो 2 मल्टीप्लाई 7 और माइनस बेटा 72 वन जा 72 तो ये आएगा माइनस 70। अब जब इसको सोल्व करते तो आपके पास वैल्यू बनेगी 25 3 जा 75 प्लस 14 माइनस 72 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा बेटा 72। अब जब सोल्व करते हैं तो ये आएगा 549 718 89 माइनस 72 डिवाइड बाई 72। अब जब सोल्व करते हैं 9 माइनस 2 कितना आएगा बेटा 7, 8 माइनस 1 कितना आएगा 17 अपॉन 72 तो जो आंसर आएगा वो आएगा 17 अपॉन 72, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। दोबारा फिर से ध्यान से समझिएगा, जब हमने इसको सोल्व किया 25 अपॉन 24 प्लस 7 अपॉन 36 माइनस का 1, 24 36 का एलसीएम लेंगे, अगर किसी को एलसीएम लेना नहीं आता तो आप समझ सकते हैं 6 4 जा 24 6 6 जा 36 2 से डिवाइड कर देंगे 2 2 जा 4 2 3 जा 6 को प्राइम नंबर आ चुके हैं तो 6 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 6 2 जा 12 3 2 जा 6 12 मल्टीप्लाई 6 कितना आता है बेटा 72, एलसीएम कितना आ गया 72, 72 में 24 का डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा 3 मल्टीप्लाई 25, 72 में 36 का डिवाइड करेंगे 36 2 जा 72 2 मल्टीप्लाई 7 माइनस 72 1 जा 72 क्योंकि यहां पे 1 ही है तो बेटा 72 2 जा 72 इसको सोल्व करेंगे 75 प्लस 14 माइनस 72 डिवाइड बाई 72 सोल्व करेंगे इन दोनों का एडिशन 89 माइनस 72 डिवाइड बाई 72 सोल्व करेंगे 9 माइनस 2 7 8 माइनस 7 1 17 अपॉन 72 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा, ये हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया सिंप्लीफिकेशन के, ये आपको करने हैं अच्छे से। अगर कोई चीज नहीं समझ आती है तो बेटा आप उसको दोबारा फिर से रिपीट करके पॉज करके देख सकते हैं, लेकिन आपको देखने का तरीका हॉरिजेंटली फोन ईयरबड्स लगा के अच्छे से मेरे साथ साथ चीजें रिपीट करते जाएंगे। सिंप्लीफिकेशन के अंदर अगर आपको क्वेश्चन करना है 20 तक टेबल लर्न होनी चाहिए, 20 तक स्क्वेयर लर्न होनी चाहिए, 10 तक परफेक्ट क्यूब होने चाहिए। क्लियर है, ओके, थैंक यू, सी यू, बाय, टेक केयर।